सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आए बच्चे होंगे गाइस। तो आ चुका है संडे गाइस, और अपन आए दोबारा यहाँ पे संडे के मार्केट में। जैसा ही गाइस कोटा के DCM में यहाँ पे ये मार्केट लगता है, और मैं यहाँ पे आके हमेशा यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। और मेरे को यहाँ पे हर रोज हर संडे नई नई कारें उपलब्ध मिलती है, और मैं हर रोज इन्हों की हर संडे वो वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि दरअसल गाइस ये संडे को लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे आके लगभग 4-5 वीडियो बना लेता हूँ, और फिर वो एक दिन छोड़ के डालता रहता हूँ। तभी गाइस आप वीडियो देखते होगे तो बोलते हो यार हर रोजाना संडे कैसे रहता है, इसलिए गाइस वो यही कारण रहता है। तो गाइस आज भी अपने पास बहुत नई नई वेगनार आई है, अल्टो आई है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कारें तो बहुत है, स्टॉक बहुत बड़ा है यहाँ का। अरे बाबा, लेकिन कारें वो लाई जाती है जो ज्यादा सेल होती है, जैसे गाइस अल्टो और वेगनार, ओमिनी, ये सब ऐसी ओमनी वेनी, सब ऐसी कारें जो ज्यादा सेल होती है। तो इन्हीं के बारे में आज की जानकारी लेंगे गाइस। तो अपने पास वेगनार है गाइस, बहुत सारी है। एक ये है, एक अल्टो गाड़ी, एक पीछे वेगनार है, एक उससे पीछे वेगनार है, और एक अपने पास ओमनी भी, और पीछे ब्लैक करके एक और गाड़ी। गाइस बहुत गाड़ी है, सबके बारे में जानकारी देंगे। और गाइस जैसे कमेंट आती है कि बंदा कहते हैं कि भैया वीडियो बड़ी बनाया करो, तो ठीक है गाइस इस बार कोशिश करते वीडियो बनाए बड़ी बनाने की। गाइस मैं बोर ना हो जाए इसलिए छोटी बनाता हूँ। तो गाइस वीडियो पर बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सारी जानकारी देंगे, मॉडल कितना है, प्राइस कितना है, सब बताएंगे, और कम ज़्यादा भी होता है प्राइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस गाड़ी देखो, गाड़ी कितनी शानदार है, ठीक है ना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, और अपने पास आई है पहली, जैसे वेगनार आप देख सकते हैं, पहली वेगनार आई है 13 मॉडल, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, व्हाइट कलर की एक नंबर वेगनार है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेगनार को। और इस बार गाइस मैं जैसे हमेशा वीडियो बनाता हूँ तो और जानकारी के साथ आया हूँ। इसका गाइस टायर है जो 90% क्लियर का है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 90% क्लियर टायर है गाइस इसका। और पेट्रोल वाली गाड़ी है गाइस ये, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अंदर से अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर गाड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको। और इसका लुक भी अगर देखा जाए तो गाइस ये गियर है यहाँ पे, और ये सीट बेल्ट का जैसा कि प्रेस है, और यह सामने इसके सारे फंक्शन है, म्यूजिक का, एसी अपने पास सही से उपलब्ध एयर के लिए। और बाकी अगर इसकी और चीज़ देखी जाए तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पावर विंडो भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पावर विंडो भी इसमें उपलब्ध है, और इधर की साइड भी गाइस पावर विंडो है, और भी सारे फंक्शन दिए गए हैं। बाकी नीचे गियर है, और इधर हैंडल वैंडल का सब कुछ है, और सीट भी अच्छी है। और अगर पीछे का इसमें देखा जाए तो गाइस पीछे भी सब सामान है, पीछे भी देखो गाइस पावर वाली वो है विंडो, और यहाँ ऊपर की देखी जाए तो सब ठीक है गाइस, इसको स्पेस भी है काफ़ी, और अच्छी अच्छी गाड़ी है गाइस जैसा कि देख सकते हैं। और ये सीट की यहाँ पे बात करी जाए, ये भी है, ये भी सही है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर गाड़ी है, 13 मॉडल गाड़ी है गाइस। और यहाँ का ब्रेक रह गया गाइस, बाकी पूरे फंक्शन इसमें अवेलेबल है गाइस। एक नंबर वेगनार है, पूरी पूरी नई की नई जैसी वेगनार है, एक नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं पेट्रोल वाली वेगनार है गाइस ये, पेट्रोल से चलने वाली, इंजन इसका पूरा फुल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन पूरा क्लियर है। और इसकी फर्स्ट पार्टी गाड़ी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, ये चौहान कार बाजार की तरफ से ही उपलब्ध है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी नंबर प्लेट देखी जाए तो ये 01 से RJ से है, जैसा कि RJ01 अजमेर की होती है, तो देख सकते हैं आप वेगनार ये, इसका गाइस नंबर भी आराम सही है। और गाइस पीछे की बात करी जाए तो इसका देख सकते हैं आप, और VXI भी है इसमें अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये टायर इसके जैसा कि मैंने बता दिया 90% क्लियर टायर है, और पूरी गाड़ी की जानकारी दो गाइस मैंने उपलब्ध करा दी है, जितना मुझे पता है उतना मैंने शायद करा दी इसकी गाड़ी की जानकारी उपलब्ध। और बाकी अगर इसकी प्राइस की बात अपन करी जाए तो इसकी प्राइस सकती है अपने पास लगभग, इसकी कितनी प्राइस थी इसकी अपनी? तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 13 मॉडल और 3.5 लाख की कार है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 3.5 लाख की कार है, जैसा कि गाइस मैं देख इसको जूम थोड़ा सा करा सकता हूँ, बाहर से इसका लुक दिखा सकता हूँ थोड़ा। और वाइट कलर की वेगनार है एक नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी ज़्यादा खराबी नहीं है, अच्छी कार है गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप, और काफ़ी बेहतर गाड़ी है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करी जाए तो इधर की साइड अपन आते हैं, और ये इसके नीचे की साइड इसका फंक्शन है ही सही, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस इसको यहाँ पे आके अपन ने इसको ऑन करा तो ये देखो हुई नहीं गाइस, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी डिग्गी है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है, और स्पेस है गाइस इसमें, ये साफ सफाई के लिए रख रखे सामान। बाकी ये टायर की दो गाइस ये रखाई गई है जाके इसको रिपेयर करने के लिए, बीच में कहीं ख़राब हो जाए उसके लिए, ये जिसकी गाड़ी गाइस उसने रख रखे हैं सामान। बाकी
नीचे टायर भी है गाइस, नीचे भी गाइस इसमें बहुत काफी गैप है देखे, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस काफी स्पेस है नीचे भी इसमें। सो काफी बेहतर गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी पूरी अपन स्पेस भी काफी अच्छा है जैसा कि मैंने बता दिया है। इसका 13 मॉडल है, 3.5 लाख रुपए की प्राइस है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस काफी बेहतर है इसकी ये प्रेरणा है। और देख सकते हैं आप अच्छी गाड़ी है, पावर विंडो के साथ उपलब्ध है अपने पास। तो ये गाड़ी अपन ने तो पूरी बता दी गाइस पूरी। अब अपन बढ़ते हैं अपनी अगली वेगनार पे, जैसा कि है देख सकते हैं ये RG05 की तरफ से, ये RG01 की तरफ से थी। सेकंड वेगनार की तरफ अपन आते हैं तो इसको भी देख सकते हैं अपन। दो गाइस ये भी गाइस काफी बेहतर गाड़ी है जैसा कि इसके फंक्शन आप उससे भी ज्यादा अवेलेबल देख सकते हैं। इसका कलर कोडिंग भी काफी अच्छा है, इसकी सीट बेल्ट, इसकी सीटें भी तो काफी अच्छी है, गियर वेयर ये सब जैसा कि आप देख सकते हैं गियर भी, और इसके सारे फंक्शन भी आप जैसा कि देख सकते हैं। और इसमें भी गाइस काफी सारे फंक्शन अवेलेबल कराए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर विंडो इसमें अवेलेबल है अपने पास से। और ये इसके सारे तामझाम जैसा कि आप देख सकते हैं जो होते ही हर गाड़ियों में। और बाकी इसमें और भी चीज जैसे कि आप फैसिलिटीज की बात कर सकते हैं। तो ये देखो गाइस, ये आप नीचे की गाइस ये देखो पूरी हरी हरी इसमें लगाई रही ताकि कचरा ना हो। और ये आप देख सकते हैं इधर की साइड, इधर भी सीटें लगाई गई हैं, मतलब सीटें की आप देख सकते हैं सीटें कैसी हैं। सीटें तो गाड़ी में लगी रहती है गाइस, लेकिन आप देख सकते हैं सीटें कैसी है सॉरी। और पूरा का पूरा फंक्शन आप देख सकते हैं, इधर की साइड भी आप देख सकते हैं, पावर विंडो भी इसमें दी गई है गाइस। और ये लगभग अच्छी गाड़ी है पूरी पूरी। और अब इसके अपन मॉडल की बात करते हैं तो ये 14 मॉडल गाड़ी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 14 मॉडल गाड़ी है। और गाइस इसके टायर है वो 100% क्लियर है, 100% इसके टायर क्लियर है गाइस। इसके 90% है, इसके 100% टायर क्लियर है, तो ये आप देख सकते हैं गाइस। और ये भी काफ़ी बेहतर गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल से पेट्रोल की गाड़ी है गाइस ये भी। इसका भी इंजन गाइस काफ़ी क्लियर है और टायर वायर सब है अच्छे, इंजन काफी क्लियर है गाइस। गाइस इंजन भी काफी अच्छा है इसका। और इसकी डिक्की की बात करी जाए तो वो काफी क्लियर है इसकी भी डिक्की, जैसा कि कुछ भी खराबी नहीं है इसकी, अच्छा सही है गाइस। और इसकी सीट, इसमें भी अंदर गाइस काफी स्पेस है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो इसमें भी गाइस नीचे एक टायर अवेलेबल कराया गया अपन ने, ये देखो गाइस नीचे भी अपने पास एक टायर अवेलेबल है पिंचर के लिए रास्ते में या टायर वायर ख़राब हो जाने के लिए। टूर पर स्पेस काफ़ी अच्छा है गाइस इस गाड़ी का भी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेगनार का 14 मॉडल वेगनार है अपने पास राजस्थान की RG5 की तरफ से, काफ़ी बेहतर गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको पावर विंडो अपने पास उपलब्ध कराई है, अच्छी सीट बेल्ट लगाई, 100% इसके टायर क्लियर है। 14 मॉडल गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये गाड़ी के पूरे फंक्शन ठीक है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है गाइस। और गाइस अब इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो अपने पास इसकी प्राइस क्या थी, इसकी प्राइस 3.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 14 मॉडल 3.5 लाख रुपए प्राइस। ये 13 मॉडल थी 3.25 लाख रुपए प्राइस थी, 14 मॉडल 3.5 लाख रुपए प्राइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी को भी। दोनों भी एक नारों के अपन ने जानकारी दे दी गाइस। और अब अपन बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो के अपने अगले पे, जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यह है अल्टो। पहले गाइस इसकी बाहर से अपन देख लेते हैं सारी गाइस अल्टो, ये भी काफी सेल होने वाली गाड़ियां हैं जो लगभग CNG की होती हैं लगभग, ये अल्टो भी जैसा कि RG08 की तरफ से। इसका नंबर भी गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडिफाइड नंबर लिखवा रखा है, और अच्छी गाड़ी है ये भी। अब इसके अंदर से अगर अपन फैसिलिटीज की बात करी जाए तो गाइस ये भी अल्टो भी गाइस काफ़ी बेहतर है जैसा कि देख सकते हैं आप, इसको भी काफ़ी बेहतर है। और इनसे इसके फंक्शन भी आप देख सकते हैं जैसा कि आपको पता ही, और ये गियर है इधर, इसके नीचे भी लगभग हरा हरा सा लगाया गया है गाइस, इस पर भी ये सीट बेल्ट के लिए ही सही गाइस। इधर पावर ब्रेक अपने पास अवेलेबल है, और इसमें लगभग क्या है अल्टो है तो गाइस इनों पर अभी पावर विंडो नहीं होती, जो इनों में AC वाली विंडो ही होती है जो है गाइस। और बाकी इसमें ये सारे फंक्शन है, यहाँ से गाइस ये लॉक भी हो सकती है गाइस यहीं से ओवरन। बाकी काफ़ी बेहतर गाड़ी है, कंडीशन गुड है गाइस, इतनी बेकार कंडीशन नहीं है ये, अच्छी कंडीशन है जैसा कि देख सकते हैं गाइस। इधर मिरर है, और अगर अपन इससे बाहर आके इसकी और जानकारी लेते हैं तो गाइस काफ़ी अच्छी गाड़ी है गाइस। पीछे से देखा जाए, पीछे गेट खोल के तो अच्छा लुक है इसका, गेट देख सकते हैं गाइस आप, गेट भी अच्छे हैं
ये देखो गेट की बॉडी भी अच्छी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके टायर लगभग लगभग 70% क्लियर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 70% 70% इसके टायर क्लियर है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका लुक अपन देख सकते हैं यहाँ से कैसा है। तो इसके मॉडल की बात कर ली जाए तो ये 10 मॉडल गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको 10 मॉडल गाड़ी है ये, इसका फंक्शन आप देख सकते हैं 10 मॉडल गाड़ी का जैसा कि देख सकते हैं। और इसकी प्राइस कितनी थी अल्टो की? अल्टो की कितनी थी? 1,60,000। LXI मॉडल जैसा ही गाइस देख सकते हैं, LXI मॉडल है। और इसके टायर नए के नए डले हुए हैं। AC इसमें अवेलेबल है गाइस, AC इसमें चला सकते हैं अपन। और 1,07,000 की गाड़ी है गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी गाड़ी है। AC भी अवेलेबल कराया गया है गाइस इसमें जैसा कि देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है। और इसकी प्राइस भी अपन ने बता दी है जैसा कि 1,07,000 और 10 मॉडल जैसा कि आप देख सकते हैं। CNG अवेलेबल है गाइस पूरा इसमें, तो देख सकते हैं गाइस इतनी अच्छी अल्टो जैसा कि 10 मॉडल में आपको मिल रही है, अच्छी है गाइस। और अगर इससे अपन आगे फिर बढ़ते हैं तो 3 गाड़ी अपन ने क्लियर कर दी है। अब अगली गाड़ी पर अपन बढ़ते हैं तो ये फिर आती है अपने पास वेगनार। ओके, अब वेगनार ये भी गाइस व्हाइट कलर की है। और ये गाइस अब इन तीनों कारों से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो इनके मॉडल में ही फर्क आता जा रहा है। ये लगभग 15 मॉडल वेगनार है गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं। थक गया था गाइस बोलते बोलते थोड़ा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मॉडल अपने पास वेगनार है। इसकी भी गाइस काफ़ी अच्छी कंडीशन है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो गाइस इसके अंदर भी अपन को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है जैसा कि देख सकते हैं गाइस। ये अपने पास रहता ही है जिनमें कारों में लगाया जाता है ज़्यादातर। और फंक्शन इसके गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर फंक्शन है। गियर अपने पास दिए जाते हैं यहाँ पे, इसका भी गियर काफ़ी मॉडिफाइड है। पावर ब्रेक और सीट की कंडीशन भी देखो गाइस काफ़ी अच्छी सीट की कंडीशन है और अच्छी गाइस ये है। यहाँ पे जो सारे फंक्शन दिए गए हैं। और ये गाइस अपने पास 15 मॉडल वो वेगनार है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें अपने पास पावर विंडो अवेलेबल कराई गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर विंडो अपने पास अवेलेबल है। और नीचे स्पीकर ये दे रखा गाइस यहाँ पे, और ब्रेक का सिस्टम भी है। बाकी सारे फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और ऊपर की अगर देखी जाए तो अपन ये लोग गाइस लाइट का अपने पास होता ही सिस्टम, बाकी ये रहती है काम के सूर्य से बचने की रोशनी के लिए। और ये पीछे की अगर देखी जाए तो पीछे की सीटें भी काफ़ी बेहतर है। और अपने पास इसमें खास बात ये है कि इसमें आगे सीट बेल्ट है ही सही। और गेट खुलने का, ये गेट की आप कंडीशन देख सकते हैं, गेट का भी काफ़ी बेहतर लुक है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पीछे के देख सकते हैं आप, ये तो पीछे भी गाइस पावर विंडो लगी हुई है और गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है। और इसमें गाइस पीछे भी सीट बेल्ट दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो पीछे आपको सीट बेल्ट मिलती है। और इसके पीछे भी गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ है जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी गाड़ी क्लियर है गाइस एक नंबर है। और टायर इसके नए के नए एकदम क्लियर टायर है जैसा कि आप देख सकते हैं, 100% क्लियर नए के नए टायर लगे हुए हैं इसमें, अच्छी गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। सीट बेल्ट अपन ने यहाँ से ओपन कर दी है। और गाइस ये देखो इसकी डिक्की जैसा कि आप देख सकते हैं, वेगनार की 2015 मॉडल है ये जैसा कि देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतर है। स्पेस यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पीछे से अच्छी लग रही है। और यहाँ पे ये देखो गाइस लग ही रहा है। और यहाँ पे ये गैस का है, लगा गैस की है ये, इसमें गैस लग रही है यहाँ पे। और ये गाइस इसका टेम्परेचर और ये पूरा टायर वायर का लुक है जैसा कि आप जानते हो दे रखा है इसमें। और अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस है, सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाली कार में अपने पास LPG भी है, LPG अवेलेबल है, फाइनेंस भी अवेलेबल है, टोटल सारी चीज़ें अवेलेबल है अपने पास। 2015 मॉडल है और ख़ास बात ये सबसे अच्छा मॉडल है इसका जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और इसकी प्राइस अपने पास होगी 15 मॉडल, तो 15 मॉडल गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप 3,80,000 रुपये इसकी प्राइस है। तो गाइस अच्छी गाड़ी हो, अपन ने 4 गाड़ियाँ क्लियर करा दी हैं। तो ये 4 गाड़ियाँ क्लियर कराने का ही मन था जैसे गाइस अपन देख सकते हैं, इसका पूरा ही आपने वो थंबनेल पे भी यही देखा होगा। लेकिन गाइस अपने पास ओमनी भी अवेलेबल है जैसा कि आप देख सकते हैं, ओमनी वैन भी एक अवेलेबल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी भी अगर अपन पूरी जानकारी लें तो ये भी काफ़ी अच्छी है जैसा कि देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर के फंक्शन। और लगभग ये भी ये गाड़ी जितनी भी गाड़ी थी सारी गैस पेट्रोल वाली और वो वाली LPG है जैसा कि देख सकते हैं। इसके भी गाइस काफ़ी अच्छे फंक्शन है। और इसकी आप देख सकते हैं लगभग कितनी चली चलाई है। और इसमें पूरा फंक्शन अवेलेबल ही कराई गई है। और यहाँ पे गियर का सिस्टम यही सही गाइस। और इसमें गाइस पावर विंडो जैसा है नहीं, क्योंकि ओमनी वैन में बहुत कमी होता है गाइस, मैंने तो जितना देखा उस हिसाब से नहीं।
तो मैंने तो ओमनी वैन में ऐसा पावर विंडो को सिस्टम देखा नहीं है। तो गाइस जैसा कि आप पूरी ओमनी वैन देख सकते हैं इसका, और इसकी गाइस बात करी जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टायर भी गाइस एकदम नए के नए क्लियर लगाए गए, नए के नए क्लियर टायर लगाए गए इसमें भी। और ड्राइविंग सीट की तरफ से देखी जाए तो काफ़ी बेहतर गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे का लुक भी है अपने पास यहाँ पे, और इसकी भी गाइस काफ़ी अच्छी कंडीशन है जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाकी अपन अगर यहाँ की बात करी जाए इसकी सीट की, तो इसकी अगर अपन बात करी जाए काफ़ी इसकी सीट की, तो ये भी काफ़ी बेहतर है। तो गाइस जैसा कि आपने देखी ये वाली, अब इसके अपन मॉडल की और पूरे फंक्शन की बात कर ले जाते हैं तो इसके अपन की बात करें। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये 16 मॉडल अपने पास ओमनी वैन अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं 16 मॉडल अपने पास ओमनी वैन है पेट्रोल वाली है गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप ज़्यादा कुछ भी महंगी नहीं। और इसकी प्राइस अगर बात करी जाए तो 2,07,000 इसकी प्राइस है, 2,07,000 काफ़ी बेहतर गाड़ी है जैसा कि देख सकते हैं। अपन की लगभग 5 गाड़ी अवेलेबल हो चुकी है गाइस, वो देखो 2013 मॉडल, 14 मॉडल, 10 मॉडल, 15 मॉडल, ये 16 मॉडल। अब गाइस अपन अगली पे बात करी जाए तो अपने पास अगली गाड़ी आती है गाइस अल्टो, जो काफ़ी बेहतर है, उस वाली अल्टो से भी काफ़ी बेहतर गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये VXI की है, मारुति सुजुकी की तरफ से अल्टो K10 08, मतलब बूंदी की है गाइस, राजस्थान बूंदी की गाड़ी है ये, VXI की है ये। गाइस इसके अंदर अपन फंक्शन की बात करी जाए तो AC अवेलेबल है, और ये गाइस ऐसा ही ये क्या लगाते हैं गाइस सब कारों में। और गाइस ये कार धूप में खड़ी, इसमें थोड़ी गर्मी सी है इसलिए थकान सी हो रही है। और इसके अंदर सारे फंक्शन जैसा कि गाइस अपन के पास अवेलेबल कराए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप देख सकते हैं भाई नीचे ये सब है ही सही। और ये चार्जिंग केबल लग रही है, क्या एयरफोन की वो लग रही है, इसमें अपन गाने चला सकते हैं। और इसकी अल्टो गाइस काफ़ी अच्छी कंडीशन है ये भी। और इसकी अगर इधर से बात की जाए तो इसकी सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर सीट की कंडीशन है, इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। गेट की आप देख सकते हैं, गेट का भी देखो गाइस काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं नए के नए टायर इसमें भी अवेलेबल कराए गए हैं। इंजन इसका भी क्लियर है गाइस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इंजन क्लियर है इसका भी, K10 अल्टो K10 है गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप इसको, अच्छी गाड़ी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके अगर डिक्की की बात करी जाए तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप, ये अपन ने इसकी डिक्की ओपन कर ली है, स्पेस अपन देख सकते हैं कितना स्पेस है इसमें, ये टूल दे रखे हैं गाड़ी के खोलने के लिए, स्पेस इसमें भी अपने पास बहुत है, और हर चीज़ रखने के लिए स्पेस बहुत है। डिक्की क्लोज करते हैं गाइस, और इसके अपन मॉडल और प्राइस की बात कर लेते हैं, पूछ के कितना मॉडल है कितना प्राइस है इसका अपने पास। सो गाइस इसकी अगर अपन मॉडल और प्राइस की बात करी जाए तो इसका मॉडल कितना है, इसका प्राइस 380। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं 18 मॉडल है और 3,80,000 रुपये इसका प्राइस है, जैसा कि देख सकते हैं अल्टो K10 है ये, और काफ़ी बेहतर है, टायर भी इसका नया है एकदम क्लियर VXI की तरफ से ही है, 18 मॉडल और 2018 मॉडल, 3,00,000 के लगभग प्राइस है इसकी जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ थी मैंने लगभग इनकी जानकारी दे दिया आपको जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने बोली थी लगभग बड़ी वीडियो बनाया करो, तो गाइस आज मैंने बड़ी वीडियो बनाई है और पूरी गाड़ियों की जितनी मेरे हाथ से ज़्यादा थक गया, लेकिन गाइस मैंने जानकारी आपको पूरी दी है। तो गाइस वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करी हो, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई सी गाड़ी लेनी हो तो नीचे एड्रेस मिल जाएगा, कमेंट में लिखने से भूलनी हो तो गाइस आप कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं हम, आप कॉल करके पूछ सकते हो कौन सी गाड़ी कितने की, और यहाँ पर आप ले भी सकते हो अगर आप नियर हो तो, और सही है गाइस, तो यहाँ पे आगे ले सकते हो आप गाड़ी, गाड़ी गाइस काफ़ी बेहतर मिलती है यहाँ पे, अच्छे दामों मिल जाती है, कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो गाइस अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो मिलता हूँ आपसे, तो गाइस टाटा बाय बाय।